मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर 11 डिफरेंशियल इक्वेशन एंड टुडे वी विल डू अ टॉपिक मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. नाउ हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट आर द मेथड्स. नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन मे बी ऑफ द टाइप, कई टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है. लाइक वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल अ फंक्शन ऑफ एक्स. ऑन दिस साइड वी हैव ओनली अ फंक्शन ऑफ एक्स. Maybe on this side we have function of y, है ना. अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अलग अलग मेथड है. और मे बी आपके पास यहाँ पे एक्स वाई की कंबाइंड फॉर्म आ जाए कोई, जैसे x इंटू साइन वाई आ जाए, देन वी विल यूज सेपरेबल मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाते हैं उसके लिए अलग मेथड है. सो वी विल डू ऑल द मेथड वन बाय वन. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस type of differential equation. Our first differential equation is of the type dy by dx equal fx. देखो इसका method सीखने की कोशिश करनी है आपने. आपके पास differential equation is set किया गया है. आपने क्या करना है, dy और fx के पास आपने dx को लेकर जाना है. फिर आपने दोनों से integral करना है. यहाँ से y आ जाएगा, यहाँ से x की कोई टर्म आ जाएगी, कांस्टेंट c आ गया. तो ये आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया. डिफरेंशियल इक्वेशन से आपने सॉल्यूशन बना लिया. क्लियर. अभी तक हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन होता था और हम उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे. कैसे बनाते थे, डेरिवेटिव करके कांस्टेंट रिमूव करके. अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमने उससे सिंपल इक्वेशन बना लिया. सो दिस ये सारा प्रोसेसिंग यही है हमारे पास. क्वेश्चन करके देखते हैं. देखो हम dy by dx इक्वल है dy by dx इक्वल है x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. तो वी हैव dy इक्वल x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इनटू dx इंटीग्रेट. dy की इंटीग्रेशन कितनी आ गई 1. और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें 2 से मल्टीप्लाई, 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, log मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2. तो ये आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया. तो सिंपल होता है सॉल्व करना, बट आपको पता होना चाहिए अगर आप यहाँ dx लिख रहे हैं तो यहाँ पे x वाली ही टर्म रहेगी और इधर dy है तो y वाले टर्म्स यहाँ रहेगी. तो वो हमारे सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आ जाएगा. अभी तो ये सिंपल फॉर्म है कि व्हेन dy बाई dx इक्वल है फंक्शन ऑफ x ओनली. नाउ वी विल डू अ फंक्शन ऑफ y ओनली. एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हमारे पास है यहाँ से. एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी का. dy by dx इक्वल है, इसके लिए भी अब देखो आपको डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए डेरिवेटिव जो हमने लास्ट किया वहां पे डेरिवेटिव यूज हो रहा है और आज जो हम करें वहां पे इंटीग्रल यूज हो रहा है. मीन्स ये चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आप ये चैप्टर कवर कर पाएंगे. क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको. डीवाई बाई डीएक्स इक्वल है 1 बाई साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x. अब ये जैसे जैसे आपकी इंटीग्रेशन थोड़ी सी टिपिकल होती जाएगी आपका क्वेश्चन वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग होता रहेगा. अब देखो क्या रहेगा, डीवाई किसकी इक्वल आ जाएगा 1 बाई साइन रेस टू पावर 4x प्लस कॉस रेस टू पावर 4x इंटू में dx और दोनों साइड हमने क्या लगा दी इंटीग्रल. यहाँ कितना आ गया y, इसको अगर हम कॉस की पावर 4 से कर दें तो कितना आ जाएगा सेकेंड की पावर 4x टेन की पावर 4x प्लस 1 इंटू dx. नाउ वी कैन राइट सेकेंड रेस टू पावर 4x. अब इसको इंटीग्रल करना है हमें, इसको वी कैन राइट सेकेंड स्क्वेयर इंटू सेकेंड स्क्वेयर और एक सेकेंड स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन की पावर 4x. क्लियर. अब आप टेन एक्स को अगर टी लेट कर लें, टेन एक्स को टी लेट कर लें तो आपके पास कितना आ जाएगा इंटीग्रल 1 प्लस टी स्क्वेयर. तो आपके पास यहाँ से सेकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स कितना आ गया आपके पास डी 1 प्लस टी स्क्वेयर और 1 प्लस टी की पावर 4 डी. क्लियर. अब यहाँ पे हम क्या करते थे इस टाइप के क्वेश्चन में, टी स्क्वेयर से डिवाइड 1 प्लस 1 बाई
यहाँ पे माइनस टू प्लस टू करेंगे, ये याद आया होगा आपको, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला फॉर्मूला बना लें, तो वन प्लस वन बाई टी स्क्वेयर अपॉन टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वेयर हो जाएगा प्लस टू डी। यहाँ से अगेन हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे अगेन हम क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो t माइनस वन बाई टी को अगर मैं u लेट करूं तो 1 प्लस वन बाई टी स्क्वेयर डी टी कितना आ जाएगा, डी पुट कर देते हैं आपके पास, न्यूमरेटर में डी यू आ गया और भी यू स्क्वेयर प्लस टू, टू को वी कैन राइट रूट टू स्क्वेयर, और x के प्रति इसके का फॉर्मूला है 1 बाई ए टैन इनवर्स x बाई ए। अब u की वैल्यू क्या है वो पुट करते हैं, है ना, अब हम u की वैल्यू पुट करते हैं और फिर u की सारे टर्म बड़े इक्वल आ रही है 1 बाई रूट टू टैन इनवर्स, u की वैल्यू कितनी है t माइनस 1 बाई टी बाई रूट टू, और t की फर्दर क्या वैल्यू है टैन x, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो y इक्वल आ गया 1 बाई रूट टू टैन इनवर्स टैन एक्स माइनस 1 बाई टैन एक्स बाई रूट टू प्लस सी। तो इस टाइप से क्वेश्चन देखो सिंपल वही किया हमने, x वाले टर्म अलग थी, इंटीग्रल किया है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है करने के लिए, बट आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आनी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, है ना। तो इंटीग्रेशन का अगर ये वाला टॉपिक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमने जब ये फॉर्म बन जाती है तो कैसे कर रहे हैं, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला फॉर्मूला बनाएंगे और सब्स्टिट्यूट करके ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए dx upon x square plus a square, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और करते हैं क्वेश्चन थोड़े से, ये सारी टर्म्स को एक साइड ले
ये दे रखे प्लीज आपको कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हिंट गिवन है कि आपको कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है। क्लियर? और करते हैं क्वेश्चन 15। अब वेरिएबल्स या टेबल फॉर्म करते हैं जिसमें आपके पास एक्स वाई वाली दोनों टर्म्स आ जाती है। एक्स प्लस वन डी वाई इसको लिखे ना वेरिएबल सेपरेबल मेथड इक्वल है एक्स इक्वल है टू एक्स वाई 2xy। अब देखो कैसे वेरिएबल सेपरेबल कर दिया आपने। x प्लस वन डी वाई इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स। अब यहाँ डी एक्स के साथ ही वाई अंतर है, वाई को इधर भेज देते हैं और डी वाई के साथ एक्स वाली टर्म है उसे इधर भेज देते हैं। क्लियर? अब ये आपके पास सिंपल सी फॉर्म बन गई। इंटीग्रल टू को बाहर लिख लो। इंटीग्रल यहाँ पे कितना आ जाएगा log by इक्वल टू यहाँ पे प्लस वन माइनस वन कर देते हैं। डिनोमिनेटर दोनों टर्म को दिया तो वन यहाँ पे कितना आ गया वन की इंटीग्रेशन इज x माइनस log mod में x प्लस वन प्लस थ्री। तो ये आपने क्वेश्चन कैसे कर दिए वेरिएबल सेपरेबल करके। यहाँ पे फंक्शन ना तो अकेला x का था ना अकेला y का था, एक्स वाई के फॉर्म में कंबाइंड क्वेश्चन था। आपने x वाली सारी टर्म्स को एक तरफ किया, y वाली सारी टर्म्स को एक साइड और फिर दोनों साइड से क्या कर दी हमने पैरेलल इंटीग्रेशन कर दी। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। जब आपने वेरिएबल सेपरेट करके आपने इंटीग्रल किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा तीनों मेथड। वेन फंक्शन x का ही है एक साइड, सेकेंड टाइप थी जब y का अकेला है, थर्ड टाइप जब आपके पास मिक्स में आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम। वन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई आपके पास यहां से कितना आ जाएगा वन प्लस एक्स प्लस यहां से वाई कॉमन ले लेंगे वन प्लस एक्स हो जाएगा। यहां फैक्टर्स बना लेते हैं वन प्लस एक्स वन प्लस वाई यहां से आ गया डी वाई बाई डी एक्स। आपने डी वाई के अकाउंट में वन प्लस वाई को लेना है इक्वल वन प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू डी एक्स। आपके पास यहां से क्या आ जाएगा लॉग मॉड में वन प्लस वाई इक्वल है वन की इंटीग्रेशन इज एक्स एक्स की इज एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। तो ये आपके पास वेरिएबल सेपरेबल से क्वेश्चन इस टाइप से भी कर सकते हैं आप। और करते हैं क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम। साइन क्यूब एक्स डीएक्स अपॉन डी वाई डीएक्स अपॉन डी वाई इक्वल साइन वाई। देखो कुछ भी आ सकता है, आप इसको सीधा आएगा सॉल्व कर दो। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। ये तो बिल्कुल सिंपल सी लग रही है देखने में भी। साइन क्यूब एक्स डी एक्स इक्वल साइन वाई डी वाई सही है। साइन क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन में फोर। थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन में फोर डी एक्स इक्वल साइन वाई। अब हो गया ना सिंपल, इसका इंटीग्रल करते हैं। इंटीग्रल करते हैं थ्री बाय फोर बाहर साइन एक्स की इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स माइनस
वन बाई फोर साइन थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस थ्री एक्स बाई थ्री, थ्री फोर जो ट्वेल्व इक्वल साइन वाई की माइनस कॉस वाई प्लस सी। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सिंपल से क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से क्वेश्चन से अब यहाँ से टू मार्क्स में आ ही जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन से टू मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हमारे पास e की पावर वाले सबट्रैक्ट करके देखते हैं हम। अब यहाँ तक के क्वेश्चन में आपको कल के असाइनमेंट में दूंगी, वेडनेसडे वाले असाइनमेंट में इस एक्सरसाइज तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। dy by dx इक्वल e raise to power x plus 5, तो सिंपल है dy by dx इक्वल e raise to power x into e raise to power y dy upon e raise to power y इक्वल e raise to power x dx। दोनों से इंटीग्रल कर दें, e raise to power कितना आ जाएगा माइनस y dy इक्वल e raise to power x dx। तो यहाँ से इंटीग्रल अगर हम करें तो कितना आएगा e raise to power माइनस वाई बाई माइनस वन इक्वल e raise to power x प्लस सी। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है कि पावर में भी अगर आपको सेपरेट करना पड़े तो सिंपल कैसे करते हैं सेपरेट। और क्वेश्चन देखते हैं इसके एकदम, इसमें स्टेटमेंट फॉर्म आ जाती है, कई बार स्टेटमेंट पढ़ के बताती हूँ मैं आपको कैसे आता है क्वेश्चन। फाइंड द स्टेटमेंट यहां से सुना आपको, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। अब यहाँ पे हम पहले पासिंग पॉइंट लिख लेते हैं। पासिंग पॉइंट कितना गिवन है आपके पास 0, -2। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ कर्व, इक्वेशन फाइंड करनी है, पासिस थ्रू 0, -2 गिवन दैट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ध्यान से सुना, एट एनी पॉइंट प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है डिवाइड बाय डीएक्स, एंड वाई कोऑर्डिनेट, प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इक्वल है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो यह आपको स्टेटमेंट से आपने पहले इक्वेशन लिखी। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिस थ्रू 0, -2 एंड इट इज गिवन दैट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व द स्लोप ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। मींस गिवन इंफॉर्मेशन से पहले आपने अपनी ये डिफरेंशियल इक्वेशन और ये पॉइंट लिख लिया। अब यहां से करते हैं x इंटू डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रल कर लेते हैं, y स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर बाय 2 इक्वल प्लस 3, x की वैल्यू 0 और y की -2। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो आपका आंसर आ गया y स्क्वायर बाय 2 इक्वल x स्क्वायर बाय 2 प्लस c की वैल्यू 2, यानी कि y स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस 4। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ द कर्व। आपको इक्वेशन ऑफ द कर्व भी पूछना था, यहाँ से आपको स्टेटमेंट सम भी आ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपने हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सबसे सिंपल है वेरिएबल सेपरेबल कर लो, अगर सेपरेट सेपरेट नहीं गिवन है, अगर सेपरेट है तो बहुत ईजी है, अगर सेपरेट है तो वहाँ से टू मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज ये फोर का भी आ सकता है यहाँ से। लेकिन फोर का आने के लिए हम लोग होमोजीनियस पे चले जाते हैं, होमोजीनियस ही करना पड़ता है अगर हमें फोर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो वो आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स।